नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास है वीडियोकॉन TV 14 इंच का। तो इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, वो फॉल्ट आपको मैं दिखाऊंगा अभी, क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो दोस्तों, अभी बारिश का मौसम है तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि CRT TV का वीडियो बनाइए, तो इस पर वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि बरसात के मौसम में CRT TV में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ओरिजिनल बोर्ड ही लगा हुआ है और इसकी पावर इंडिकेशन की जो LED है वो भी जल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन, तो स्क्रीन इसकी आ रही है, लेकिन स्क्रीन जो रास्टर है वो ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा अपने आप हो रही है, ये देख सकते हैं आप। देखिए, कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, देखिए कम हो रही है अभी, तो इस तरह से इसकी ये बढ़ गई, देखिए फिर बढ़ गई इस तरह से। तो इसकी रास्टर की जो ब्राइटनेस है वो अपने आप कम ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं आप। तो ये इसमें फॉल्ट आ रहा है। और इस तरह के फॉल्ट बारिश के मौसम में CRT TV में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये फॉल्ट क्यों आते हैं CRT TV में, तो इसका एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया हुआ पहले, तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट में दोस्तों, सबसे पहले आपको जो CRT TV का जो लास्ट एनोड है उसको आपको देखना होगा, क्लीन करना होगा कि यहाँ पर CRT TV के लास्ट एनोड पे अगर कहीं पर कार्बन या जंग, तो उसकी वजह से भी कई बार रास्टर में धुंधलापन दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर धूल मिट्टी जमा हुआ है, डस्ट जमा हुआ है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है ये CRT बेस। CRT बेस की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रास्टर में, धुंधलापन और कभी ब्राइटनेस ज़्यादा कभी कम, ये इस CRT बेस की वजह से आता है। CRT बेस के इंटरनल में जो पिने होती है, उन पिनों में कार्बन या जंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो कैथोड के जो पिन होती हैं उन पिनों पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुँचते, और उसकी वजह से रास्टर में दिक्कत आती है। मतलब कभी धुंधला आता है और डल पिक्चर दिखाई देती है। तो इस CRT बेस को हमें चेंज करना है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों बारिश के मौसम में या सर्दियों में धुंध के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये CRT बेस निकाल लिया है, ये CRT बेस है इसका। तो यही CRT बेस हम दूसरा यहाँ पे चेंज करेंगे। ये मेरे पास एक थोड़ा सेकेंड हैंड CRT बेस है, सेम वही है। तो ये वाला CRT बेस हम दूसरा इसमें चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि TV में जो फॉल्ट आ रहा है वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे जैसे वो निकाला था उसी तरह से फिर से लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसे सोल्डरिंग करके TV को ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने सोल्डरिंग कर दी है और उसमें जो लॉक बने हैं उनमें से इन वायरों को निकाल करके फिर से हम वापस लगा देंगे, जो कि अभी मैंने CRT बेस चेंज किया उसमें। ठीक है, अब ये हमारा CRT बेस सही है। और इसे आप TV को ऑन करके देखेंगे तो देखिए आप इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रास्टर की ब्राइटनेस। अब देखिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रास्टर आ रहा है और उसमें अब ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं हो रहा, धुंधला नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस CRT बेस की वजह से ही मोस्टली ये फॉल्ट आता है, धुंधला होना या डल पिक्चर आना या कभी रास्टर कम होना या ज़्यादा होना। तो इस CRT बेस को हमें चेंज कर देना है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।